गाड़ी पानी में से निकाली, उसके बाद क्या हुआ, पानी में गाड़ी में पूरा पानी घुस गया और फिर भी गाड़ी चलाई, इसके वजह से अभी गाड़ी में पानी चला गया है और गाड़ी अभी हम ओपन कर रहे हैं।
हेलो दोस्तों, ये बलेनो गाड़ी है। इसका इंजन का ये कनेक्टिंग पूरा डैमेज हो चुका है और साथ साथ में यहाँ पे पूरा इतना डैमेज हो गया है और साथ साथ में यहाँ पे ब्लॉक भी फट चुका है। यहाँ पे ये ब्लॉक पूरा फट चुका है, ये ब्लॉक डैमेज हो चुका है। अभी इस गाड़ी का ओवरऑल इंजन का काम करना होगा। ये गाड़ी पानी में चलाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी इस गाड़ी का हम पानी के ओवरऑल इंजन का काम करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास बलेनो पेट्रोल गाड़ी का इंजन है। ये इंजन पूरा डैमेज हो चुका था, पानी में कस्टमर ने गाड़ी को चला दिया था, जिसकी वजह से इंजन सीज होने की वजह से पूरा डैमेज हो चुका था और साथ में ब्लॉक में हॉल भी पड़ गया था। तो अभी फाइनली ये गाड़ी का इंजन रेडी हो चुका है। अभी हम इसको असेंबल कर रहे हैं, वॉश कर लिया है। असेंबल करने के बाद में गाड़ी में फिट करेंगे और उसके बाद आगे उसका गाड़ी स्टार्ट करके कैसा परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। उसका परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहेगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और पूरा वीडियो देखिए। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय द वर्कशॉप। थैंक यू। बलेनो गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर ब्लॉक वाला भाग हमने गाड़ी में फिटिंग कर दिया है असेंबल करके। इस गाड़ी का पिस्टन डैमेज हो चुका था और कनेक्टिंग रॉड भी डैमेज हो गई थी। तो अब इस गाड़ी के अंदर हमें ये ब्लॉक फिट कर दिया, अभी हॉल फिट करना बाकी है। तो इस गाड़ी के अंदर पूरा वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। अभी हमको इसका हेड भी फिटिंग करना है और ये गाड़ी किस कंडीशन में इसका ब्लॉक डैमेज हुआ था वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अभी मैं इसका हेड फिटिंग करने वाला हूँ। थैंक यू। पानी निकला। Let's go, bro. पानी भरा है ना। हेलो यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, ये हमारे पास बलेनो गाड़ी है जो पानी में डूब गई थी और डूबने की वजह से कस्टमर ने गाड़ी को रन किया था और जिसकी वजह से इसका
गाड़ी का ब्लॉक भी डैमेज हो गया था और पिस्टन भी डैमेज हो गया था, कनेक्टिंग रॉड भी डैमेज हो गया था। तो ये इस गाड़ी का हमने ओवरऑल इंजन का काम किया हुआ, और साथ साथ में जो उनका जो गेट था सोसाइटी का वो यहाँ पे लग के ये फेंडर भी डैमेज हो गया था और ये डोर भी डैमेज हो गया था। फाइनली अभी इस गाड़ी को हमने रेडी कर दिया है और अब इस गाड़ी को अभी ट्रायल मारने जा रहे हैं। इंजन इसका बहुत ही साइलेंट पोजीशन में है, ऐसा लगता है गाड़ी चालू है या बंद है पता ही नहीं चलता है। बहुत बढ़िया साइलेंट इंजन है इसका जो अभी हमने बनाया है। तो अभी ये गाड़ी को अभी हम ट्रायल में लेके जा रहे हैं गाड़ी को, और गाड़ी के अंदर पानी भी भरा हुआ था, पूरा सब क्लीन किया हुआ है। दोस्तों मैं कार वाहन चालक को सलाह देना चाहता हूँ, जब बारिश ज़्यादा हो उस दौरान आपको पानी में से गाड़ी जल्दी से नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आप पानी में से गाड़ी निकालेंगे तो जैसा इस गाड़ी को डैमेज हुआ है उसी तरह आपका भी गाड़ी डैमेज हो सकता है। और इस वीडियो पानी में चला गया, अब इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा वीडियो रखा हुआ है। और अच्छा लगे वीडियो तो हमारे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। एनजीओ टो वर्कशॉप वडोदरा। सब्सक्राइब टू माय चैनल।